नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र विभांडिक। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से पिछले साल ही पुलिस इंस्पेक्टर पद से रिटायर हो गया हूं। बचपन से लेकर आज तक मेरे को फिल्म देखने की बहुत शौक है। मैंने सब हीरो हीरोइन की पिक्चर देखी है। आज के टॉपर अमिताभ बच्चन जी है, धर्मेंद्र जी है, शत्रुघ्न सिन्हा जी है और बहुत सारे। मगर ये देखा अभी बीच में, मैं कल परसों एक पुराना एक फिल्म फेयर अवार्ड देखा तो उसमें धर्मेंद्र जी को दिलीप कुमार के हस्ते ये अवार्ड दिया गया है। जब उन्होंने एक खेद व्यक्त किया कि मैं इतने सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में मेरी चली, फूल और पत्थर जैसी, सीता और गीता, ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जो उन्होंने अपने चाहतों को दी है, मगर उनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया। ऐसी क्या कमी थी उनमें, क्या कमी रही है कि उनको ऐसा अवार्ड क्यों नहीं मिला? वो खुद बोल रहे थे कि मेरे को अवार्ड कभी नहीं मिला, बल्कि उनके चाहने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर ये क्यों हुआ? या हम अपनी कमेटी कहीं कमी रह गई क्या? तो मेरा ये कहना है कि धर्मेंद्र जी साहब को फाल्के पुरस्कार देके, हाँ सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के, इनका पुरस्कार दिया जाए और उनकी जिंदगी भर की जो कमी उनको महसूस हो रही है उसकी वो रिवार्ड देके उनको सराहना किया जाए, उनकी एक्टिंग की, उनकी फिल्मों की, उनकी अदाकारी की। इससे ज्यादा कोई सम्मान नहीं हो सकता, ये मैं चाहता हूं। और दूसरी एक बात मैं और करना चाहता हूं, बीच में मैंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब और अमिताभ बच्चन साहब का यारों की बारा ये एक एपिसोड देखा। उस एपिसोड में शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि अमिताभ है, उनका नाम ऊंचा है, कद ऊंचा है, स्वभाव नम्र है, आप सब लोग उनको चाहते हैं, बहुत सारे उनमें खूबी है, कविपन है, क्या नहीं है उनमें, क्या कमी है उनमें? तो उन्होंने प्रपोज किया कि अमिताभ बच्चन को भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति पद का सम्मान मिले और ये सम्मान उनको देने के बाद वो सम्मान उनको नहीं तो भारत सरकार का ये सम्मान रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। तो आप प्लीज इस पे गौर करें, धर्मेंद्र जी को फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाए और आने वाले अगले राष्ट्रपति चुनाव में बिना दिक्कत माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी को राष्ट्रपति पद को चुना जाए, यही मेरी आपसे विनती है। जय हिंद।